नमस्कार, मैं कविता सामसुखा, इंडियन सिल्क हाउस एक्सक्लूसिव्स, P92 लेक रोड, कोलकाता से आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कोरा और टिश्यू का एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन। समर पीक पर है और इस समर के सीज़न में हमारा नया समर कलेक्शन की हाईलाइट है ये कोरा और टिश्यू की साड़ियाँ। मैं आपको सबसे पहले अपनी साड़ी के बारे में बताती हूँ। मैंने कोरा की साड़ी पहनी है। इसमें इस तरह का लाइट पेस्टल सी ग्रीन का बेस है और इसके ऊपर पूरा रेशम का काम है। इसका बॉर्डर और पल्ला पिंक कलर का है। पिंक कलर का फ्लोरल बॉर्डर है, मीनाकारी है और पल्ले में भी इसी तरह का मीनाकारी का बहुत ही खूबसूरत वर्क है। समर के सीज़न में इस तरह की साड़ियाँ बहुत हल्की रहती हैं एंड दे आर वेरी सूदिंग ऑन द स्किन। मैंने जो फैशन ज्वेलरी पहनी है वो भी हमारे स्टोर से ही है। इसके साथ मैंने इस तरह का एक नेकलेस पहना है और ये इयररिंग्स पहने हैं। ये सेट इस साड़ी के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी जो साड़ी मेरे सामने है वो वाइट कलर के ऊपर में एक बहुत खूबसूरत टिशू की साड़ी है। ये देखिए, ये है इसका लुक। सिल्क बाय टिशू इसका टेक्सचर है। ये देखिए, इस तरह से है ये। और इस तरह की साड़ियाँ बहुत गॉर्जियस लगती हैं समर्स में, इवनिंग्स में, पार्टीज़ में। और इसका जो लुक है वो काफ़ी गॉर्जियस आता है। वाइट कलर के रेशम के साथ में इसमें एक जरी की वीविंग है। ये इसकी बॉडी की डिज़ाइन है, काफ़ी ऑफ बीट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। यहाँ पर है इसका बॉर्डर। बॉर्डर गोल्डन जरी का है लेकिन इसका जो गोल्ड जरी का टोन है वो थोड़ा वाइटिश लुक पर है। ये है इसका बॉर्डर और ये है इसका पल्ला। इस तरह की साड़ियाँ आप जब पहने तो इसके साथ में आप बहुत स्मार्टली इसको स्टाइल करें। इसके साथ में डिज़ाइनर ब्लाउज़ पहने, फैशन ज्वेलरी पहने और एक अच्छा सा क्लच बैग कैरी करें। ये देखिए, ये है इसका ब्लाउज़ पीस। हमने इसमें इस तरह का ब्रोकेड वर्क का ब्लाउज़ पीस दिया है। इसे आप बहुत स्टाइल में स्टिच करवाएं, एक सुंदर कट में, एक सुंदर डिज़ाइन में। हमारे यहाँ स्टिचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इसे अवेल करें। येट अनदर टिशू साड़ी। इसमें गोल्ड लुक प्रोमिनेंट है। इसमें लाइट ग्रेश कलर के ऊपर में पूरा गोल्ड वर्क है। ये देखिए, ये है इसकी बॉडी। बहुत ही ऑफ बीट स्मार्ट पार्टी वेयर साड़ी है और इसका फॉल बहुत अच्छा आएगा। इसका फॉल स्टिफ नहीं रहेगा, काफ़ी सॉफ्ट रहेगा क्योंकि इसमें भी सिल्क बाय टिशू की वीविंग है। ये है इसका लुक। इसमें गोल्ड के साथ में हल्का हल्का सिल्वर का टच भी है इसके पल्ले में। ये देखिए, ये है इसका लुक। और इसका जो शेड है, बेस कलर जो है वो आप यहाँ देख पाएंगे। ये देखिए, ये है इसका बेस कलर, काफ़ी इंग्लिश टोन पर है और उसके ऊपर में पूरा गोल्ड वर्क है। पूरी वीविंग में, हैंडलूम में साड़ी बनी हुई है। और ये है इसका ब्लाउज़ पीस। ब्लाउज़ पीस भी कितना स्मार्ट है। इसमें गोल्ड और सिल्वर लुक की जरी का पूरा वर्क बना हुआ है ब्रोकेड स्टाइल में। अब जो साड़ी है वो कोरा पर है। कोरा का जो यार्न होता है वो सिल्क यार्न ही होता है। इसे ट्विस्ट करके फाइन किया जाता है तब इस तरह की शेयर सेमी ट्रांसपेरेंट टेक्सचर बन करके आती है। ये भी हमारे हैंडलूम का ही क्रिएशन है। इसकी टेक्सचर बहुत फाइन है, बहुत खूबसूरत है। जब आप इसे ड्रेप करेंगे तो इसका फॉल भी बहुत अच्छा आएगा। इसमें आप देख रहे हैं इस तरह से ओम्ब्रे इफेक्ट में शेडेड एक पैटर्न बनी हुई है और इसके ऊपर में इस तरह की जरी की वीविंग है। सिल्वर जरी से हॉरिजॉन्टल पैटर्न में ये स्ट्राइप्स की पैटर्न है और यहाँ पर है इसका सिल्वर जरी का ही बॉर्डर। ऊपर का बॉर्डर इस तरह का है। ये देखिए, यहाँ पर है इसका बॉर्डर और नीचे का बॉर्डर इस तरह का है। नीचे का बॉर्डर चौड़ा है, डबल बॉर्डर है। इसमें इस तरह की डिज़ाइन बनी हुई है। ये जो ओरिएंटल डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये सिर्फ नीचे की तरफ आएगी। और यहाँ पर है इसका पल्ला। पल्ला इस तरह से है, प्लेन टिश्यू का पल्ला है और पल्ले के आखिर में टेसल्स हैं। तो कोरा और टिश्यू का एक इसमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें बॉडी में जो कोरा का बेस है उसमें भी एक गोल्ड की शीन है, यानी टिश्यू का लुक है। तो कोरा टिश्यू की ये साड़ी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर है इसका ब्लाउज़ पीस। ब्लाउज़ पीस भी बहुत स्मार्ट है। ये देखिए कितना सुंदर इसका ब्लाउज़ पीस है। ब्लाउज़ पीस में भी सिल्वर जरी से पूरी डिज़ाइन बनी हुई है। इसे लाइनिंग के साथ आप स्टिच करवाइए, बहुत अच्छा लगेगा। अब जो साड़ी है वो एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी लुक की कॉपर जरी के ऊपर में टिशू की साड़ी है। ये देखिए इसका लुक। ग्रे कलर के ऊपर में स्ट्राइप्स की बॉडी है, आप देख पा रहे हैं। बहुत सटल टोन पर ये स्ट्राइप्स है।
कॉपर और गोल्ड में ये स्ट्राइप्स बनी हुई हैं और यहाँ पर है कॉपर जरी का बॉर्डर। ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर में बहुत गॉर्जियस और बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। और यहाँ पर है इसका पल्ला, पल्ले में भी पूरी ओरिएंटल डिज़ाइन बनी हुई है। यहाँ पर देखिए ये है इसका पल्ला, छोटा पल्ला है बट गॉर्जियस है। और ये है इसका ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस में भी ब्रोकेड वर्क है, इस तरह का इसका ब्लाउज पीस है। इस तरह की स्मार्ट साड़ियाँ पार्टीज़ में पहनी जा सकती हैं। समर में तो पार्टियाँ लगी रहती हैं लेकिन हमारे पास चॉइस बहुत कम होती है इस सीज़न में पहनने के लिए। तो ये कोरा और टिश्यू की साड़ियाँ मैं इसीलिए लेकर के आई हूँ ताकि आपको अभी हमारे यहाँ जो चल रहा है, जो ट्रेंड में है, उस तरह का कलेक्शन आपको दिखाऊँ और यहाँ से आप अपना नया कलेक्शन अपने वार्डरोब में ऐड करें और उसे अपडेट करें। अब जो साड़ी मेरे सामने है वो सदाबहार गोल्डन टिश्यू की है। गोल्ड लुक के ऊपर में टिश्यू की साड़ियाँ बहुत पुराने ज़माने से हम देखते और पहनते आए हैं। अब ये अगेन इट इज़ इन फैशन। ये देखिए ये है इसका लुक, इस तरह का इसका लुक है। गोल्ड टिश्यू के ऊपर में सिल्वर और गोल्ड से ये बूटे बने हुए हैं। ये लाइन गोल्ड जरी की है और ये सिल्वर जरी की है। छोटे बहुत खूबसूरत नीट बूटे बने हुए हैं। इसमें प्रैक्टिकली कोई बॉर्डर नहीं है, बहुत पतली सी कन्नी दी गई है। विदाउट बॉर्डर की साड़ियाँ थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लुक देती हैं, तो हमारी मॉडर्न लेडीज़ इस तरह की साड़ियाँ काफ़ी पसंद करती हैं। और ये है इसका पल्ला, वाइट कलर का कोरा का पल्ला है और इसके ऊपर में बड़े बूटे बने हुए हैं। छोटा पल्ला है, बहुत ईजी टू कैरी, लाइट वेट। ये शेयर ट्रांसपेरेंट साड़ी जो है बहुत ही स्मार्ट है। ये देखिए ये है इसका ब्लाउज़ पीस, ब्लाउज़ पीस वाइट कलर का है, इस पर इस तरह की स्ट्राइप्स की डिज़ाइन बनी हुई है। अब जो साड़ी आपको दिखा रही हूँ वो भी टिश्यू की साड़ी है। जितनी कोरा और टिश्यू की साड़ियाँ मैं आज लेकर के आई हूँ सब एक से एक अलग है, डिफरेंट है। ये साड़ी जो आप देख रहे हैं इसमें पूरा ब्रोकेड स्टाइल का वर्क बना हुआ है। बहुत गॉर्जियस और स्मार्ट ये लगेगी जब आप इसे ड्रेप करेंगे। और ये एक ऐसा कलर है जिसे आप डे वेयर में भी पहन सकते हैं और इवनिंग्स में भी पहन सकते हैं। और इसमें ज्वेलरी के ऑप्शंस भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे। आप इसके साथ सिल्वर या डायमंड कुछ वाइट लुक की ज्वेलरी टीम अप कर सकते हैं। ये देखिए ये है इसकी बॉडी, ऑल ओवर इसमें ब्रोकेड वर्क बना हुआ है, फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पर है इसका बॉर्डर, ये देखिए ये है इसका बॉर्डर, पूरा ब्रोकेड वर्क जो है सिल्वर लुक पर है, यानी सिल्वर जरी से बना हुआ है। इसका जो बेस है वो ग्रे कलर का है, पेस्टल ग्रे कलर के ऊपर में सिल्वर जरी का पूरा वर्क है। और इसका पल्ला है इस तरह का, पल्ले में भी ऑल ओवर डिज़ाइन है, पल्ले के आखिर में इस तरह से टेसल्स बने हुए हैं। ये देखिए कितने स्मार्ट ये टेसल्स बने हुए हैं इसमें। और इसका जो ब्लाउज़ पीस है वो इस तरह का है, ब्लाउज़ पीस में एकदम से अलग से डिज़ाइन हमने दी है। ये देखिए ये है इसका ब्लाउज़ पीस, इसमें छोटी छोटी डायमंड शेप की बूटियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए टिश्यू के बेस के ऊपर में इस तरह से बूटियाँ हैं ऑल ओवर। और यहाँ पर है ब्लाउज़ पीस का बॉर्डर, ये देखिए ये बॉर्डर जैसा आपने साड़ी में देखा वो ब्लाउज़ पीस में भी दिया गया है। अगर आपका फिगर स्लिम है और आप कोरा की साड़ियाँ ड्रेप करें तो दिस विल गिव अ लिटिल वॉल्यूम टू योर अटायर एंड टू योर लुक। ये देखिए ये है इसका लुक, ये साड़ी बहुत ही सूदिंग, बहुत ही प्लीजिंग कलर शेड्स में है। इसमें ब्लू के डिफरेंट शेड्स में इस तरह से रन काट की पैटर्न बनी हुई है। यहाँ पर कोरा का पोर्शन है, यहाँ पर टिश्यू का पोर्शन है, यहाँ गोल्ड जरी है, यहाँ पर सिल्वर जरी है। इस तरह से ये पूरी बॉडी बनी हुई है, बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर है इसका बॉर्डर, ये देखिए ये है फ्लोरल बॉर्डर, जरी से बना हुआ है, गोल्ड जरी से। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, इस तरह से आएगा। और यहाँ पर है इसका पल्ला, ट्रेडिशनल लुक का पल्ला है। इसमें एक बनारसी लुक आ रहा है क्योंकि ये बनकर के आई है हमारे बनारस की हैंडलूम से। बहुत एक्सक्लूसिव इसकी वीविंग है और बहुत ही खूबसूरत फाइन इसका टेक्सचर है। इसके पल्ले में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक टिश्यू का लुक है और इस पर इस तरह से पेजली के बूटे बने हुए हैं। और इसका ब्लाउज़ पीस है इस तरह का, ये देखिए कितना स्मार्ट इसका ब्लाउज़ पीस है और कितना बड़ा भी है, लुक एट दिस। टिश्यू का ब्लाउज़ पीस है विद स्ट्राइप्स एंड बॉर्डर। अब जो साड़ी दिखा रही हूँ वो कोटा टिश्यू पर है।
अलग अलग फैब्रिक्स के साथ में टिश्यू का ब्लेंडिंग मैंने आपको दिखाया, कुछ कोरा के साथ कुछ सिल्क के साथ। अब दिखा रही हूँ कोटा के ऊपर में। ये देखिए, ये है इसकी टेक्सचर, बहुत फाइन क्रिस्प इसकी टेक्सचर है। इसका फॉल अच्छा आएगा और इसकी बॉडी में इस तरह से टिश्यू का लुक है, गोल्ड सिल्वर लुक में ये बनी हुई है। और यहाँ पर है इसका गोल्डन जरी का बॉर्डर जिसमें इस तरह से पिंक कलर से थोड़ी सी हाईलाइटिंग की गई है ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ ये स्ट्राइकिंग टेम्पल्स की डिज़ाइन आएगी। ये देखिए, ये है इसका लोअर साइड बॉर्डर जिसमें ये खूबसूरत टेम्पल बने हुए हैं। और यहाँ पर है इसका प्लेन सिंपल पिंक कलर का पल्ला। आप इसे फेस्टिव ओकेजन्स पर मॉर्निंग में अगर पहनें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर घर में आपकी कोई पूजा है, कोई फेस्टिव ओकेजन है, तो मॉर्निंग में इस तरह की साड़ियाँ पहनें तो बहुत हल्की रहती हैं और बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। ये है इसका ब्लाउज़ पीस। ब्लाउज़ पीस इसमें जैसे साड़ी की बॉडी है वैसा ही ब्लाउज़ पीस है, पर डिज़ाइन में हल्का सा वेरिएशन है। कैन यू मेक आउट? ये है इसकी बॉडी और ये है इसका ब्लाउज़ पीस। ब्लाउज़ पीस में थोड़ा सा ग्रीन का टोन ज़्यादा है और इसमें थोड़ा सा गोल्ड का टोन ज़्यादा है। नाउ यू कैन मेक आउट द डिफरेंस लाइक दिस। वाओ, सच ए प्रिटी कलर, कितना खूबसूरत और कितना खुश ये कलर है। और फैब्रिक है फाइन कोरा का। कोरा के ऊपर में इस तरह की जाल की डिज़ाइन बनी हुई है। ये देखिए, ये है इसके जाल की डिज़ाइन। बहुत ट्रेडिशनल लुक की इसकी बॉडी है और इस तरह का इसका गोल जरी का ही बॉर्डर और पल्ला है। फाइन टेक्सचर है, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है और बहुत कंफर्टेबल है समर्स के लिए। इस तरह की साड़ियाँ आप चाहें तो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर शादी है समर्स में तो हल्दी के ओकेजन पर भी ये पहनी जा सकती है, बिकॉज दिस इज़ अ परफेक्ट येलो कलर। और इसका ब्लाउज़ पीस आपको दिखाती हूँ। ये है इसका ब्लाउज़ पीस, ब्रोकेड का ब्लाउज़ पीस है। ये देखिए, इस तरह से इसमें पूरी डिज़ाइन बनी हुई है ब्रोकेड से। इस तरह का एक ब्लाउज़ पीस काफ़ी वर्सेटाइल रहता है, दूसरी साड़ियों के साथ भी मिक्स मैच किया जा सकता है। अब जो साड़ी मेरे सामने है वो एक बहुत रेयर कलर की है, जाम कलर की, यानी कि पर्पल कलर की। इसकी बॉडी देखिए, ये इस तरह की है, पूरा ऑल ओवर इसमें वर्क बना हुआ है। बहुत खूबसूरत ट्रेडिशनल डिज़ाइन का इसका लुक है। ये देखिए, ये है इसका लुक। कोरा का फैब्रिक है और इसके ऊपर में गोल्ड सिल्वर जरी से ही पूरा बना हुआ है। यहाँ पर है इसका बॉर्डर, ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी नीट फाइन इंट्रिकेट डिज़ाइन का बॉर्डर है। दोनों तरफ ऐसा बॉर्डर है और वैसा ही है पल्ला। इसकी जो टेक्सचर है फ्रेंड्स, ये जो लाइट टेक्सचर होती है कोरा की, ये हमारी बॉडी पर जब गिरती है तो हमें बहुत लाइट फील होता है इस तरह के समर के मौसम में। इस तरह की कुछ साड़ियाँ अगर अब तक आपने अपने वार्डरोब में ऐड नहीं की है तो आप ज़रूर इसे ऐड करें। और ये जो कलर है, दिस इज़ अ परफेक्ट इवनिंग वेयर कलर। तो समर की पार्टी है अगर कोई भी आपके नियर फ्यूचर में, तो ये एक कलर ऐसा है जो कि इवनिंग में आप पहन सकते हैं। और यहाँ पर है इसका ब्लाउज़ पीस, कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज़ पीस दिया गया है विद स्ट्राइप्स। लुक एट दिस, कितना प्रिटी इसका कलर है, मजेंटा कलर है और इसमें इस तरह का बॉर्डर और इस तरह की स्ट्राइप्स आएगी। इंडियन सिल्क हाउस एक्सक्लूसिव्स का USP है एक्सक्लूसिव सिल्क की साड़ियाँ, अलग अलग प्रांतों से जो बन करके आती हैं। हमने आपको बनारस की सिल्क की साड़ियाँ बहुत दिखाई हैं अलग अलग एपिसोड्स में, अनन्या के डिफरेंट एडिशंस में हम लेकर के आए हैं। आज जो साड़ी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो भी एक बनारसी क्रिएशन है, लेकिन वो बना हुआ है कोरा पर। ये देखिए, ये है इसका लुक। तो कोरा बनारसी अभी काफ़ी फैशन में है, उसका एक ये एक्सक्लूसिव पीस है। यहाँ पर है इसका बॉर्डर, बॉर्डर में कई सारे कलर्स हैं आप देख पा रहे हैं। पिंक एंड येलो से इसको पूरा वीव किया गया है, बहुत ही इंट्रिकेट फाइन जरी का काम है। बहुत खूबसूरत बूटे हैं, ये देखिए, ये है जरी के बूटे। और इसकी जो टेक्सचर है वो कितनी फाइन और कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पर है इसका नीचे का बॉर्डर, ऊपर से नीचे का बॉर्डर थोड़ा सा चौड़ा है, वही स्ट्राइप्स के डिज़ाइन है। ये देखिए, ये है इसका लुक। और यहाँ पर है इसका पल्ला। इसका जो बॉडी का कलर है वो मिंट ग्रीन है और पिंक कलर का बॉर्डर है और पल्ला है। इतना समरी ये शेड है और इतना खूबसूरत इसका लुक आएगा जब आप इसे ड्रेप करेंगे, सच अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर है इसका ब्लाउज़ पीस, ब्लाउज़ पीस है पिंक कलर का जिसमें एक साइड में रेशम का बॉर्डर है, यानी कि सेटिन स्टाइल का बॉर्डर है। ये देखिए, ये है इसका सेटिन बॉर्डर ऑन वन साइड।
प्योर सिल्क का ब्लाउज पीस है और उसमें हमने दूसरे तरफ दिया है इस तरह का बॉर्डर जो कि साड़ी में भी है। तो ये जो चौड़ा बॉर्डर है आप इसे स्लीव्स में ले लीजिए और इसका जो सेटिन का बॉर्डर है वो आप बैक में और दूसरी जगह में ले सकते हैं जब आप अपना ब्लाउज डिज़ाइन करें। येट अनदर कोरा बनारसी साड़ी जिसमें भी टिशू का वर्क है। ये देखिए, ये है इसकी बॉडी। बॉडी में एक फाइन टिशू की वीविंग है, गोल्ड सिल्वर जरी से बूटे हैं और कलर है बहुत ही खूबसूरत पेस्टल पिंक। ये है इसका फाइन टेक्सचर और यहाँ पर है इसका बॉर्डर। इस तरह का ट्रेडिशनल बॉर्डर हम बनारसी साड़ियों में देखते हैं। कोरा टिशू के ऊपर में बनी हुई ये बनारसी साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर है इसका पल्ला, पल्ला बॉक्स स्टाइल का है, जिस तरह के बनारसी पल्ले होते हैं उसी तरह का है और नीचे का बॉर्डर जैसा ऊपर का था वैसा ही है। बहुत ही प्लीजिंग लगेगा जब आप समर के मौसम में इसे पहनेंगे और ये एक ऐसा कलर है जो हर कॉम्प्लेक्शन को सूट करता है। ये देखिए, ये है इसका ब्लाउज पीस। ये ब्लाउज पीस में बॉर्डर आएगा और इस तरह की स्ट्राइप्स की पैटर्न आएगी। ब्लाउज पीस काफ़ी बड़ा है और कोरा का ही ब्लाउज पीस है। येट अनदर ब्यूटिफुल कोरा सिल्क साड़ी। इसके ऊपर में देखिए ऐसा ऑल ओवर वर्क आएगा। इसमें पटोला पैटर्न बनी हुई है। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये हमारी हैंड वूवन पटोला सिल्क की साड़ियों में आती है। ये कोरा पर बनी हुई है और इसमें जरी और रेशम का पूरा काम है। यहाँ पर है इसका बॉर्डर। ये देखिए, ये है इसका बॉर्डर। पिटा जरी का इसका बॉर्डर है। ये बॉर्डर ऊपर में है और वैसा ही बॉर्डर नीचे में है। यहाँ पर है इसका पल्ला। पल्ले में भी जरी के साथ में इंट्रिकेट डिज़ाइन बनी हुई है और इसका जो कलर है वो जाम कलर यानी कि पर्पल कलर है। और ये है इसका ब्लाउज़ पीस। स्ट्राइप्स के साथ में इसमें बॉर्डर दिया गया है। इसकी फाइन टेक्सचर आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल टेक्सचर, सच अ फ्रेश ग्रीन कलर इन कोरा सिल्क साड़ी। बनारसी कोरा की ये साड़ी है। खूबसूरत नीट डिज़ाइन की बॉडी और पल्ला बॉर्डर है। ये देखिए, ये है इसकी बॉडी। बॉडी में इस तरह से लंबे शेप के बूटे बने हुए हैं। यहाँ पर है इसका बॉर्डर। बॉर्डर में इस तरह की जिगजैग की पैटर्न है और वैसा ही है इसका पल्ला। सच ए नीट साड़ी और कितना खूबसूरत इसका शेड है। इस ग्रीन टोन में एक डुअल इफ़ेक्ट है, धूप छांव का इफ़ेक्ट है। और यहाँ पर है इसका ब्लाउज़ पीस। ब्लाउज़ पीस भी देखिए पूरा वर्क वाला है। गोल्ड जरी का ब्रोकेड वर्क है जिसमें इस तरह के डायमंड शेप की डिज़ाइन बनी हुई है। समर अपनी पीक पर है। अगर घर बैठे शॉपिंग करना चाहें तो डू ब्राउज आवर वेबसाइट www.indiansilkhouse.com। यहाँ से आप हमारा यूज कलेक्शन देख सकते हैं, घर बैठे खरीद सकते हैं और वर्ल्ड वाइड शिपिंग हम करते हैं। पर आज का कलेक्शन जो मैंने अनन्या में दिखाया वो हमारे वेबसाइट पर नहीं है। ये हम एक्सक्लूसिवली क्यूरेट करके लेके आते हैं फॉर आर यूट्यूब फॉलोअर्स एंड आर सोशल मीडिया फॉलोअर्स। तो आज का कलेक्शन अगर आप ख़रीदना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इनको ख़रीदने का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। ये लिंक 15 दिन तक ही एक्टिव रहते हैं और इसके बाद अगर आपको ये सेम कलेक्शन देखना हो या सिमिलर कलेक्शन देखना हो तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें ऑन द नंबर 9830436334। यहाँ से हम आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, स्टोर लोकेशन से लेकर के प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन तक आपको दे सकते हैं। हमारे स्टोर की लोकेशन आपको फिर से बताना चाहूँगी। इंडियन सिल्क हाउस एक्सक्लूसिव्स, P92 लेक रोड, कोलकाता 29 है हमारा एड्रेस। हमारा साउथ कोलकाता का ये स्टोर है जो कि ब्रांच है हमारे नॉर्थ कोलकाता के फ्लैगशिप स्टोर का, जिसका नाम है इंडियन सिल्क हाउस। इंडियन सिल्क हाउस का ये फ्लैगशिप स्टोर है हमारे बॉर्नो परिचय मॉल में। गेट नंबर 2 से इसका एंट्रेंस है। इन दो शोरूम्स के अलावा कलकत्ता या कलकत्ता के आसपास के इलाकों में हमारा कोई भी शोरूम नहीं है। आप इन दोनों एड्रेसेस को नोट करें और करेक्ट लोकेशंस पर हमारे कलेक्शन को देखें और ख़रीदें। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते शाम को ठीक 7 बजे अनन्या के नेक्स्ट एडिशन में। तब तक के लिए कीप शॉपिंग एंड एंजॉय समर्स। नमस्कार। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स।